एवरीवन स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर आर्टर ट्वेंटी फोर सेवन पर आप सभी की अपनी जुलॉजी की क्लास में शाम के एग्जैक्टली exactly तीन बजे तो कैसे हैं भाई आप सभी और कैसे आप लोग के प्रिपरेशन चल रही है एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बता दीजिए दैट माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू सो दैट द सेशन कैन रन स्मूथली सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट्स uh, के लिए ये दिवाली का फेस्टिवल प्रिपरेशन में एक बूस्ट लेकर आए और अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का परिवार बस यही दुआ करता है कि आप सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिवाली तक सक्सेसफुल हो जाएं आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं आपको वो अचीव हो जाए ठीक है तो वर्ड्स के साथ लेट अस बिगन अवर टुडे सेशन जितने स्टूडेंट्स कनेक्ट कर चुके हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए डेट माई वॉइस इज़ क्लियरली ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज़ क्लियरली विजिबल टू यू और नॉट और कैसी चल रही है आप लोग के सेलिब्रेश की प्रिपरेशन जिस तरह से आप लोग दिवाली सेलिब्रेशन की, की प्रपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं शिद्दत से सब चीज़ें करते हैं गैस उसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके लिए आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक मुकाम पर पहुँचे उसके लिए भी आप उतना ही शिद्दत से प्रिपरेशन करो ठीक है चलिए लेटेस्ट बिगन आवर सेशन तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी स्टूडेंट्स को अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है साथ में Uh, मतलब अपने आप को रजिस्टर करना है और जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आप ये सभी फ़ीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड दैट विल डेफ़िनेटली हेल्प यू टू स्कोर वेल इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स इसी के साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस है एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ सभी क्लासेस प्लान की गई हैं राइट तो एग्रीकल्चर आटर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर ये सभी क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं चाहे वो आप एफ सी आई ए जी थ्री की प्रिपरेशन कर रहे हो आई बी पी एस ए एफ ओ थ्री प्लस मींस अभी हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन चल रही थी गाइज यू हैव थर्टी फाइव क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स एंड जो मीनाक्षी मैम के कवर्ड कराए पोर्स आए थे हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देखने को मिले थे ठीक है मधुरिमा कश्यप इज़ अ न्यू स्टूडेंट और द ओल्ड वन हेलो कैसे हो भाई एक बार जितने स्टूडेंट्स क्लास में कनेक्ट करते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक uh, like भी करते रहेंगे माय हेल्थ इज़ फाइन नाउ ठीक है टुडे इज़ माय हेल्थ इज़ फाइन वो एकदम से कल थोड़ा सा uh, पता नहीं कैसे क्या हो गया था ठीक है अभी बिल्कुल फ़ाइन है तो जितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को लाइक like भी कर देंगे शेयर भी कर देंगे और कमेंट तो आप लोग करेंगे ही साथ साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा गाइस ताकि सभी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहे ठीक है ओके यू गाइज आर माई ओल्ड स्टूडेंट हेमेंद्र वेरी गुड आफ्टरनून नमस्ते चलिए फिर शुरुआत करते हैं शुरुआत के ही साथ साथ गाइज अगर आप जो यहाँ फिलहाल कनेक्टेड हैं अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए इससे आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन इन केस नहीं पहुंच रहा है तो टेलीग्राम पर क्लासेस शेयर होती है आप वहाँ से कनेक्ट कर लिया करो या फिर जो डेली बेसिस पर कम्यूनिटी पर कुछ कोइज़ आती हैं आप वो क्विज़ अटैम्प्ट किया करो आप लोग का रिविजन होगा ऐसे ठीक है और बिग सेलेक्शन डेज़ ये आप लोग को हमने कल भी इन्फॉर्म किया था कि दिवाली के शुभ अवसर पर सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए दस करोड़ के स्कॉलरशिप प्राइजेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस बहुत हद तक ड्रॉप हो गए हैं सभी बैचेस के ठीक है अगर आपको वही ड्रॉप्ड प्राइजेस पे साथ में डबल वेलिजिटी के साथ बैचेस में एडमिशन लेना है चाहे महापैक में तो आप वाई थ्री डबल फोर ए कोड लगा कर एडमिशन ले मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा साथ में डबल वैलिडिटी भी ठीक है और अगर आपने ऐप आप को इंस्टॉल कर किया है तो ये डिस्काउंट आपका एट्टी परसेंट प्लस वन परसेंट हो जाता है ठीक है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगा आपकी प्रिपरेशन में तो है यू कैन सी आर बैचेस एंड इन पे सब पे डबल वेलिडिटी है साथ में प्राइस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है नॉर्मल डेज से तो इस दिवाली खुद के लिए एक डिसीजन लो अगर अभी तक भी प्रिपरेशन को लेकर एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो टेक इट टुडे एंड स्टार्ट योर प्रपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वहाँ पैक्स सिक्स प्लस सिक्स मंथ वाला भी बहुत रिड्यूस हो गया है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मंथ वाला भी और ए जी थ्री टेक्निकल का ये जो बैच है कॉम्बो बैच है सभी बैचेस का प्राइस बहुत हद तक ड्रॉप है तो वाई थ्री डबल फोर ए कोड अप्लाई करके यू कैन हैव दीज बैचेज़ एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद अस हम ओके ओके मधुरीमा ओके चलिए सो लेट अस बिगन टुडे सेशन ये वाला जो बैच है ना गाइस जो ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा यानी कि आफ्टर दिवाली स्टार्ट होगा आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं यही कोड लगाकर आपको इस बैच की वेलिडिटी डबल मिलेगी और साथ में इसका प्राइस जो है बहुत हद तक रिड्यूसड मिलेगा तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन हैव दिस बैच ओके सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में भी आपके एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस कर रहे थे तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को एनिमल किंगडम से ही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम इज कॉल्ड अगर मीजोडम स्प्लिट हो जा रही है तो ऐसे में जो बॉडी कैविटी फॉर्म्ड होती है उस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं ठीक है मीजोडम इज अ मिडल लेयर ठीक है वी आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हमारे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो तीन लेयर से हुआ है तो हम ट्रिप्लो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो तीन लेयर्स की हेल्प से हुआ है ओके okay? आपकी आउटर लेयर इज़ एक्टोडम मिडिल लेयर इज़ पीज़ोडम एंड इनर लेयर इज़ एंडोडम इनर लेयर इज़ एंडोडम ठीक है चलें आगे आगे चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताएंगे थोड़े से टफ़ हैं आज के क्वेश्चंस ठीक है मैं आपको पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है सो so, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क आल क्लियर योर डाउट्स और मैं आपको ये बता देती हूँ ऐसा एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था आई बी और सॉरी एफ सी आई टेक्निकल का उसमें पूछा गया था ठीक है तो इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए बताइए द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन कनेक्टेड इन द सेशन वह क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा ओके द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी हाँ शीजो फाइल नहीं होगा वो तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं सीजो कॉल तो है ही नहीं आपका ऑप्शन में द राइट आंसर इज सिल ठीक है सिलॉम होगा इस क्वेश्चन का आंसर बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीज़ोडम मीज़ोडम के स्प्लिट होने से और मीज़ोडम के फॉर्मेशन से जो बॉडी कैविटी फॉर्म होती है दैट इज सिल बॉडी कैविटी ठीक है एक सेकेंड Is it clear to you guys? शीजोकल हाँ सीजो कॉल एक सेकेंड शाइजोकल और इसी कोई आप सिलोमेट और हमें इन्हीं को ही आप सिलोमेट ट्रू सिलोमेट इन्हीं को तो बोला जाता है मधुरिमा येस योर आंसर इज़ राइट ठीक है हाँ और हमने देखो अगर किसी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है और ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में आपको सीजोल की जगह पर अगर सिर्फ सिलोम दे दिया है तो आप सिलोम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे वो ट्रू सिलोमेट ही होते हैं ठीक है और यही क्वेश्चन हम लोग यही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था वो भी ठीक है और ये आपके ट्रू सिलोमेट होते हैं ओके okay? लेकिन ये मार्कर नहीं इस पे वर्क कर रहा है एक सेकेंड लेट मी चेक ये मार्कर क्यों नहीं वर्क कर रहा है ओके एक बार इसका एक बार डेटा केबल मेरे को सही से वो करने दो एनिमोल में यानी कि जब आप एडवांस एडवांस एनिमल क्लासिफिकेशन के टूवर्ड्स मूव करते हैं तो इनिशियली जो जो बॉडी कैविटी फॉर्म होती है मिजोडम के स्प्लिटिंग से दैट इज साइजोसोल वहीं पर जब आप कॉर्डेटास की तरफ चले जाते हैं तो दैट विल बी नोन एज आपका कंप्लीट जो आपका सिलोमेट ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर बॉडी कैविटी ठीक है इज इट क्लियर टू यू नाउ आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो ऑन दैट बेसिस अगर आप बात करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को लेकर तो सेकेंडली अगर हम तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूडोसिलोम सूडोसिलोम इज़ फाउंड इन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो सूडोसिलोम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बॉडी कैविटी इट इज़ नोन एज अ फॉल्स कैविटी यानी कि आपको अपीयर होता है दैट देर इज़ अ बॉडी कैविटी ठीक है बट कोई एस बॉडी कैविटी इट विल बी फॉर्मड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस पैचेस की फॉर्म में आपका बॉडी कैविटी फॉर्म होती है दैट इज़ नोन एज सीडोसिलोम तो क्वेश्चन इज इनमें से कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सीडोसिलोम फाउंड होती है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ सेकेंड क्वेश्चन एक सेकेंड ये जो है ना सारे के सारे सिलोम मैंने आपको एक दिन और समझाए थे लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि मैंने अभी आप लोग का कमेंट देखा ये ठीक है ब्लास्टोसील क्या है ब्लास्टोसील आपका एक काइंड ऑफ बॉडी कैविटी है जो कि ज्यादातर जो हम हैं बर्ड्स हैं और आपके रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर जो काइंड ऑफ बॉडी कैविटी फार्म होती है दैट इज़ ब्लास्टोसील आप लोगों ने देखा होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जब न्यू वन का फॉर्मेशन हो रहा होता है मदर uh, यूट्रस में तो हेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील ठीक है तो हेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील से फिर आपका फर्दर ब्लास्टूला फॉर्मेशन होगा एंड फिर उससे आपका न्यू जो यंग वंस है उसके जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इज इट क्लियर गाइस क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक का क्लियर होगा अब आप लोगों को चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें मधुरीमा इज इट क्लियर टू यू ब्लास्टोसील इज इन ह्यूमंस ठीक है ब्लास्टोसील आपका जो आपके बर्ड्स हैं रेप्टाइल्स हैं आपके ह्यूमंस हैं जो आपके एडवांस क्रिएचर हैं देन आपका जो प्रेजेंट होता है जो एक कैविटी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसील दिस इज ट्रू सेलोम ओके नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आपका हाँ सीडोसिलोम किसमें प्रेजेंट होता है क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका सीडोसिलोम किसमें फाउंड होता है तो इनिशियली आपका निमेटोर्स अच्छा निमेटो जो है वो कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं निमेटोर्स आर इंक्लूडेड इन विच फाइलम निमेटोड्स जो होते हैं वो आपके कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट फाइलम्स निमेटोड्स आपके इंक्लूडेड होते हैं एस हेल्मिन्थस में राउंड वर्म्स के अंदर निमेटोड्स का इंक्लूजन होता है ठीक है राउंड वर्म्स के अंदर आपके निमेटोड्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं क्लियर है गाइस इज इट पॉइंट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ द टे फॉर्म इज सेट टू बी देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है ना वो डिफरेंट होती है किसी में फुल बॉडी पर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है किसी में कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है कुछ की टेपर्ड होती है कुछ की राउंड होती है ठीक है कुछ की सेगमेंटेड होती है तो हम जो डिफरेंट फाइलम्स पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के अंडर ऑन दैट बेसिस हम वो सारे फाइलम्स पढ़ते हैं ठीक है मधुरिमा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था आपका निमेटोर्स एंड दैट कम अंडर राउंड वॉम्स फाइलम दैट इज एस हेलविंथस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ टेप वॉम इज सेट टू बी आप टेप वॉम की बॉडी को कैसा कहेंगे अनसेगमेंटेड कहेंगे सूडो सेगमेंटेड कहेंगे मैटामेरिकली सेगमेंटेड कहेंगे या फिर नन ऑफ द अपाउ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी थर्ड क्वेश्चन के लिए राइट right आंसर क्या होगा गाइस गिव द राइट आंसर क्विकली थर्ड क्वेश्चन के लिए राइट right आंसर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए जल्दी से बॉडी ऑफ द टेप अगर आप टेप की बात कर रहे हैं तो टेप पहले तो मुझे ये बताओ कि टेप वो कौन सी फाइलम के अंदर इंक्लूडेड होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया नेमेटोड्स की फाइलम होती है एस हेलमिटस तो उसी तरह से टेप की फाइलम क्या होगी और ये सबसे ज्यादा ही टफ पार्ट होता है एनिमल क्लासिफिकेशन ठीक है क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन एक पार्ट के लिए आप लोग को आ जाता है बट एनिमल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स नहीं याद रहते और डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी कभी भी नहीं आते इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से तो like ट्रिक की फॉर्म में ठीक है तो इफ़ दे इज अ क्वेश्चन लाइक कि टेफॉर्म की बॉडी कैसी होती है सो so पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फाइलम के अंदर आता है तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज इट विल कम अंडर द फाइलम प्लेटी हेलमिंथस एंड इट हैव अ सूडो सेगमेंटेड बॉडी इट विल अपीयर लाइक उसमें सेगमेंट्स हैं But it will have note segments, so it is a pseudo segmented body. Okay. Next question is bilkul ha platyhelminthes ke andar aata hai Which of the following cells are found in porifera only? तो अगर आप लोगों से animal classification की बात की जाए और ये पूछा जाए कि primitive kind of uh, organism आपके कौन से वाले phylum के अंदर mention होते हैं, तो the right answer for the question will be पोरीफेरा सबसे पहली जो फाइलम होती है एनिमल किंगडम की दैट इज़ पोरीफेरा इसी में ही आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इसी में ही आपके सबसे सिंपल और प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होते हैं दे हैव सेनोसाइट्स इनके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को क्या कहा जाता है आपका सिलोनो uh, कहा जाता है ठीक है फॉल सिगमेंटेड यस सूडोसिल सेगमेंटेड का मतलब फोर सेगमेंटेड और पोरीफेरा के अंदर आपके सोनोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं ओके okay? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पंजेज ओनली इनमें से स्पंजेस आर द एग्जाम्पल नीडोब्लास्ट नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर नीडोब्लास्ट तो सिर्फ आपके नीटोफोराज में प्रेजेंट होंगे ना निडेरियंस में और नीटोफोरा जो सेकेंड फाइलम है उसमें प्रेजेंट होंगे मधुरिमा ठीक तो है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पंजेज ओनली तो स्पंजेस आर द एग्जाम्पल्स कम अंडर फाइलम पोरीफेरा ठीक है स्पंजेस जो एग्जाम्पल है पोरीफेरा फाइलम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है कि इनमें से स्पंजेस के अंदर कौन से ए, कौन सी चीज़ फाउंड होते हैं मिजोग्लिया फाउंड होती है नर्व सेल्स होते हैं सिर्फ एक एग्जिट होती है फिर न्यूमरस इनलेट्स होते हैं तो इनके बॉडी सरफेस के ऊपर न्यूमरस इनलेट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो ट्रांसपीरेशन है गैसेस का एक्सचेंज है फूड का इंटेक है वो सभी का सभी इन न्यूमरस इनलेट्स की हेल्प से होता है ठीक है तो ये एक ये एक स्पेशल फ़ीचर होती है फ़ाइलम के ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ओके अगला क्वेश्चन है आपके लिए सिनोसाइट्स आर फाउंड इन तो सेनोसाइट्स आर फाउंड इन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एंड ऑप्शन में आपको फाइलम्स दिया हो देन द आंसर विल बी पॉफर लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछा है कि कौन से तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फाउंड होंगे आई मीन ये आउटर एपिथीलियम लेयर्स में फाउंड होंगे ये सेल्स इनर एपीथीलम लेयर्स में सेल्स फाउंड होंगे मिजोगलिया में फाउंड होंगे मिजोगलिया इज अडल कैविटी मिडल लेयर और मिडल कैविटी इन समर्गेनिज्म जो आपके डिप्लोप्लास्टिक uh, होते हैं उनके अंदर आपका मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है स्पॉन्जोसील ठीक है तो आपको बताना है कि सोनोसाइट्स जो सेल होते हैं वो किधर उनकी लोकेशंस होती है यस नेजिता मधुरिमा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा ठीक है ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा Yes, Ma, right तो यस मधुरी में आपका आंसर बिल्कुल ठीक है द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन एफीथीलियम तो ये आपके कहाँ पर फाउंड होते हैं इनर एफीथीलियम में फाउंड होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलंट्रेट्स डिफर फ्रॉम अदर मेटाजो इन हैविंग सिलोनजियोनजे सिलंट्रेटाज हो गया आपका नीडोफोराज हो गया टीनोफोराज हो गया जितने भी आपके फाइलम्स है ना और मेटाजोअस एक आपके प्रोटोजोन्स हैं मेटाजोन्स हैं तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है दे फॉलो ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसके बिहाफ पर आप उसको और करेक्टर्स और ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है सिलेंट्रेटास दूसरे मेटाजोन से कैसे डिफरेंट है यानी कि इनके अंदर क्या वो स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके बेसिस पर आप इसको दूसरे कैटेगरी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हाइनी को कॉलर सेल्स भी कहा जाता है ठीक है एंड ये इनकी एक स्पेशल फीचर्स होती हैं इट कम्स अंडर देयर स्पेशल फीचर वन ऑफ देयर स्पेशल फीचर्स ठीक है सिलेंड्रेट्स दूसरे मेटोजोन से कैसे डिफरेंट है दे हैव निमेटोसिस्ट, दे सिमेट्री और दे शो पोलीम पोलीमार्फिजम सेवेंथ क्वेश्चन के लिए क्या है आंसर

और रेडियस सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप उनको एक ही प्लेन में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नॉट इन अदर प्लेन्स ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेन्ट्रेटास सिलेंट्रेटा में किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक फाउंड होता है अभी कुछ लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को बेसिक कराया था एनिमल किंगडम का यहीं यूट्यूब के लेक्चर में ही ठीक है तो आई थिंक वो चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेंड्रेटा सिलेंट्रेटा में किस प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है सेलुलर है टिश्यू है ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम है सेलुलर लेवल है टिश्यू लेवल है ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 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 क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा अदर स्टूडेंट्स तुम लोग भी रिप्लाई करो भाई ये तो क्वेश्चन जब हम लोगों ने आपका कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है तो अब क्वेश्चंस का आंसर करना आई डोंट थिंक इतना टफ होगा आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन का आंसर करना इतना टफ होगा आप लोगों के लिए क्योंकि हम थियोरी पार्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं इनसे रिलेटेड बताइए राइट आंसर इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है तो सिलंट्रेटा के अंदर किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स आपके कंबाइन करके क्या फॉर्म करते, है? करते हैं टिश्यू फॉर्म करते हैं ठीक है सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है एंड द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अड द सेम फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर है और वो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं दे विल फॉर्म अ टिश्यू और टिश्यूज़ के आगे, आगे आपके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आफ्टर ऑर्गन दे विल बी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इस से आपके अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज द कैविटी प्रेजेंट इन हाइड्रा इज कॉल्ड तो हाइड्रा में अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की कैविटी प्रेजेंट होती है सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता दीजिए हाइड्रा कम्स अंडर विच फाइलम हाइड्रा आपका कौन से फाइलम में आएगा पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं क्योंकि तुम लोग को नहीं याद आता एकदम से हाइड्रा कम्स अंडर विच फाइलम बताइए मधुरिमा हाइड्रा की फाइलम हाइड्रा की फाइलम क्या है हाइड्रा कम्स अंडर विच फाइलम वेरी गुड सिलेंट्रेटा में आता है ठीक है अब आपसे पूछा गया है कैविटी प्रेजेंट इन हाइड्रा हाइड्रा में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है कैविटी प्रेजेंट इन हाइड्रा If the the question is cavity present in Hydra, yes क्वेश्चन इज कैटी ऑन ठीक है इसलिए इनका नाम क्या बना है इनका नाम बन गया है यही से ही ओकेमोसील इज प्रेजेंट इन किन में प्रेजेंट होगी भाई हिमोसिल ब्लास्टोसील पता लग गया है शाइजोसिल पता लग गया है हीमोसील किस में होगी फ्लैट वॉर्म्स में राउंड वॉर्म्स में सेगमेंटेड वॉम्स में या फिर इंसेक्ट वम्स में इन सॉरी इंसेक्ट्स में इंसेक्ट इज नॉट अ वॉर्म इंसेक्ट अलग से हो जाता है ठीक है क्वेश्चन इजोसील इज प्रेजेंट इन प्लेट वॉर्म्स राउंड सेगमेंटेड या फिर इंसेक्ट राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी आपका इंसेक्ट में फाउंड होती है हीमोसिल इसके एग्जाम्पल्स हम लोग जैसे कॉकरेच के बारे में बात करते हैं तो कॉकरेच में आपका हीमोसील प्रेजेंट होता है तो टेंथ क्वेश्चन के लिए द राइट आंसर विल बी इंसेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक्सक्रीशन इन एक्सक्रीशन इन फ्लैट फ्लैटफॉर्म्स इज बाय तो आप जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स और कुछ स्पेशल सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशल सेल्स क्या करते हैं स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो अगर हम बात करते हैं फ्लैट वॉम्स और प्लेटिंग हेलमिथर्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो दे हैव सम स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिसमें आपका मेलफिजन ट्यूब्यूल्स आते हैं नेफ्रीडिया हैं फ्ले, फ्लेम वॉम्स हैं नेफ्रोन्स हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होते हैं तो यू हैव टू तो टेल तो तो यस हाँ इंसेक्टा कम्स अंडर द फाइलम अर्थपोडा ठीक है और मोलस्का में आपका सीजोसील प्रेजेंट होती है मधुरिमा मोलस्का में आपका सीजोसील्स प्रेजेंट होती है साइजोसील्स ओके राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दे हैव फ्लेम सेल्स नोट नेफ्रीडिया नहीं प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमिथिस स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिज्म में आपका प्लेन एरिया आ गया लीचि आ गई तो दे हैव फ्लेम सेल्स दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन ठीक है ए ट्रिप्लो प्लास्टिक अनसेगमेंटेड एनिमल विद कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल कूड भी यानी कि एलिमेंट्री केनाल की दोनों ओपनिंग्स हैं तीनों बॉडी लेयर्स प्रेजेंट है एक्टोडम मीजोडम एंडोडम और बॉडी पर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो आपको बताना है ये किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म ये कौन से वाला ऑर्गेनिज्म है राउंड वॉम्स है प्लेनेरिया है लीवर फ्लूक है या फिर हाइड्रा है हाँ हो जाता है कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है तीनों लेयर्स हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर सेगमेंट्स नहीं हैं एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनकी प्रेजेंट होती है द आंसर इज राउंड वॉम्स ठीक है राउंड वो विल हैव नो सेगमेंट्स ऑन देअर बॉडी ठीक है दे विल हैव नो सेगमेंट्स ऑन देअर बॉडी एंड दे विल कम अंडर एस हेलमिंथस फाइलम ए टेप वॉम टेक्स इट्स फूड बाई तो टेप वॉम्स जो है अपने फूड को कौन से बॉडी पार्ट से इनटेक करते हैं तो टेक वॉम्स आपके किस तरह का उनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टू इनटेक द फूड फूड को इनटेक करने के लिए तो दे हैव स्किन स्किन की हेल्प से ही वो फूड को इनटेक करते हैं ठीक okay. है ओके नेक्स्ट इज निटोर्स आर नोट फाउंड इन निमेटोर्स जो हैं ये आपके कम्स अंडर द फाइलम राउंड वॉर्म्स वाले दैट इज एस हेलमिंथस आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लोकेशन है कौन सी प्लेस है जहाँ पर आपके निमेटोर्स फाउंड नहीं होते इन द सॉयल फ्रेश वाटर सी वाटर नन ऑफ दबाव तो निमेटोर्स विल नोट फाउंड इन नन ऑफ डीज आप लिखेंगे दे कैन फाउंड इन द दॉयल दे कैन फाइंड इन द फ्रेश वाटर दे कैन फाउंड इन द सी वाटर एज वेल तो ये आपके हर लोकेलेटी में फाउंड हर लोकेशन में फाउंड हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ निमेटोर्स हैज एलिमेंट्री कैनाल अगर हम बात करते हैं निमेटोर्ट्स की निमेटोर्स की एलिमेंट्री कैनाल को लेकर अगर बात की जाए तो निमेटोर्स के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट नहीं होता है अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना हो तो कैसे आंसर करेंगे एलिमेंट्री विल नोट है तो एलिमेंट्री कैनाल में आपके दो ओपनिंग्स होती हैं है ना तो so, आपसे पूछा गया कि इनके एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है तो दे हैव बोथ द ओपनिंग्स दे हैव द माउथ एंड द एनस पार्ट बोथ ओके तो नेमेटोड्स की एलिमेंट्री कैनाल में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर है गाइस इज एट पॉइंट क्लियर टू यू फिफ्टींथ क्वेश्चन के लिए वेरी गुड सी वुड बी द राइट आंसर ठीक है फिफ्टींथ क्वेश्चन के लिए सी वुड बी द राइट आंसर सो so, ये जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास जो आप आप लोग की अभी नेक्स्ट क्लास होगी ठीक है आप लोगों को कल भी हम लोग इन्फॉर्म कर चुके थे कि अभी फेस्टिवल्स के टाइम पर भी आप लोग के लिए क्लासेस अरेंज की गई हैं गाइस तो एक रैपिड रिविजन कह लीजिए या फिर कंप्लीट सेशन होगा जिसमें आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन विद अस ठीक है रैपिड फायर होगा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आएंगे जल्दी जल्दी से आंसर करना होगा तो उसी लेक्चर में आप लोग को ये क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूँगी ठीक है सो एट द एंड मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि दिवाली के ओकेजन पे बिग सिलेक्शन डेज पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आरटे ट्वेंटी फोर सेवन के सभी बैचेस पे महापैक्स पर डबल एच और एट्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है सो so, अगर आप ये चाहते हैं आपके प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो हम लोगों के साथ मिलकर तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं उसी के साथ साथ गाइस अगर आपने ऐप आप को इंस्टॉल करके बैचेस में एडमिशन लेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ एट्टी वन परसेंट ठीक है इसी के साथ हाँ बहुत अच्छे लगे क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे एंड तुम लोग को और साउंड्स भी पता लग रहे होंगे दैट समवन इज क्राइंग बिहाइंड द सेशन एंड ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर्स एक्चुअली ही इज समटाइम्स इट ओके सो फॉर नाउ आफ्टर दिवाली या आफ़्टर दिवाली जल्दी यू विल गेट टू नो कि आप लोग का जोलॉजी का बुक कब तक आ रहा है ठीक है आफ्टर दिवाली यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ओके चलिए ओके फॉर नाव आई एम एंडिंग द सेशन हाँ फोर नाव आई एम एंडिंग द सेशन विश यू हैप्पी दिवाली वंस अगेन हैप्पी दिवाली वंस अगेन ही इज ऑल्सो विशिंग यू हैप्पी दिवाली मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में अभी के लिए बाय टेक केयर